हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना बास्कुट वुमन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और इस टाइम मैं ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि संभल से जब मैं आई और मैं अपने दीदी के घर से संभल पे गई थी और जब मैं वहाँ से आई तो मुझे कुछ ऐसे मैसेजेस कमेंट्स पढ़ने को मिले जो मल्टीपल टाइम एक ही क्वेश्चंस को दोहराया गया है, अलग अलग लोगों ने दोहराया है। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी और जबकि इसके बारे में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, पर फिर भी मुझे आज इसके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरी दीदी के घरों के जो मेरे दीदी हैं, बच्चे हैं, वो भी बहुत गुस्से में हैं और मुझे भी सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो इसलिए आप लोगों से, जो आप लोग नहीं जानते उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो एक ही मल्टीपल टाइम एक ही क्वेश्चन जो है वो ये है कि काफ़ी लोग एक ही बात कह रहे हैं कि आपके हस्बैंड काम पे कब जाते हैं, वो अगर प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी कॉलेज में, तो वो काम पे कब जाते हैं, वो आप ही के साथ रहते हैं, दुकान पे रहते हैं। तो मैं आप लोग बता दूँ कि मेरे ससुराल वालों के, यानी कि मैं जहाँ पे हूँ ये मेरा घर है ना ससुराल में, तो यहाँ पे हमारी किराना स्टोर की दुकान है, जनरल स्टोर की दुकान है। और रही बात इनकी, तो ये अभी छुट्टी पे है, मैंने पहले ही बताया था, इन्होंने शादी से पहले ही छुट्टी ले रखी है और ये चाहे तो अभी भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं अपना काम, बट ये जस्ट वेट कर रहे हैं मेरे साथ मेरे घर जाने का, क्योंकि मेरे मैके से मेरा पग फेरा नहीं हुआ है। जब मेरा पग फेरा हो जाएगा, मैं अपने मैके से वापस आ जाऊंगी, तब जाके ये अपना काम ज्वाइन करेंगे, अपना कॉलेज ज्वाइन करेंगे। और हो सकता है क्या कुछ दिन बाद मैं भी इनके साथ जाऊंगी, जहाँ ये रहते हैं मैं वहीं इनके साथ शिफ्ट हो जाऊंगी, रहना पड़ेगा मुझे भी इनके साथ, क्योंकि अकेले रहना तो पॉसिबल है नहीं। और रही बात दुकान पे रहने की, तो अभी वो यहाँ पे है तो इसीलिए वो पापा जी के साथ उनका काम संभाल रहे हैं, क्योंकि पापा जी को खेती बाड़ी का भी काम रहता है, वो खेती भी करते हैं फिर दुकान भी संभालेंगे। और मेरे जो जेठ जी हैं, मेरे जो भाई साहब अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको भी वक्त नहीं मिलता। वो बेचारे सुबह जाते हैं अपने काम पे निकलते हैं, उनके कपड़ों का बिजनेस है, तो वो वहाँ से एक ही बार रात को लौटते हैं तो उनको भी समय नहीं मिलता। तो अब क्योंकि ये छुट्टी पे हैं मेरे हस्बैंड, तो ये मतलब बाबा के साथ, मतलब मेरे ससुर के साथ दुकान और खेती बाड़ी दोनों ही संभालते हैं। और अगर ये नहीं रहेंगे इनके एब्सेंस में, मेरे सास ससुर ही मिलकर चलाते हैं, लाइट आ गई तो। और रही बात कॉलेज की, तो ये इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर वो अभी जाके काम ज्वाइन कर लेते हैं, अपना कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, लाइट का फोकस आ रहा है, तो उनको फिर दोबारा छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शादी से पहले ही वो छुट्टी पे। एक तो उनका प्राइवेट कॉलेज है MIT कॉलेज, जिसके बुलंदशहर में, जिसके बारे में उन्होंने खुद ही बता दिया था अपनी मुँह ज़ुबानी से, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो इतने दिन वो छुट्टी पे हैं, फिर वो भी छुट्टी लेंगे, फिर वो काम ज्वाइन करेंगे, फिर मेरे मैके ले जाने के लिए मुझे छुट्टी लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बार बार छुट्टी लेना उनके लिए भी सही नहीं है, तो इसीलिए वो वेट कर रहे हैं कि मैं अपने, क्योंकि मैं उनके साथ मैके में अपने मैके जा रही हूँ। वैसे तो मैके से कोई बुलाने आता है, पर मेरे घर से कोई नहीं आ पा रहा है क्योंकि बाबा की भी तबीयत सही नहीं है और भाई को भी छुट्टी नहीं है, वो भी काम करता है ना, तो उसको भी छुट्टी नहीं है। और माँ, आप लोग को पता ही है कि मेरी माँ म्यूनसिपैलिटी में काम करती है, मैंने आपको ब्लॉग बना के दिखाया भी था। तो और सबका जो है मतलब कैजुअल वर्कर है, उनको छुट्टी इतने दिनों की मिलेगी नहीं। और आसाम से UP आना, मतलब यहाँ आने में 2 दिन, जाने में 2 दिन और 2-4 दिन रहने का, तो कम से कम लगभग 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे घर वालों के लिए। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ही मुझे लेके जाएंगे, तो आप ही बताइए वो कहाँ से गलत हैं। उनके बारे में अगर मैं ऐसा कुछ सुनती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग पूरी बात सुन लिया करिए, मेरे आगे पीछे के ब्लॉग्स देख लिया करिए, फिर सोच समझ के क्वेश्चंस कीजिए या सवाल उठाइए या फिर कुछ ऐसा बोला करिए। मेरे हस्बैंड वो सच में हार्ड वर्किंग पर्सन है, वो अभी भी दुकान में ही है,
क्योंकि दुकान संभालना पड़ता है उन्हें। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो कमेंट्स, क्योंकि वो कमेंट्स पढ़ते हैं कभी कभी, कमेंट्स वो मेरे यूट्यूब का वो भी पढ़ते हैं, वो भी अपनी तरफ से जवाब देते हैं। पर अगर ये सवाल उन्होंने सुना होगा तो उनको कैसा लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। पता नहीं सुना है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पर आप लोग प्लीज़ इतनी सी बात समझ जाइए। और रही बात काम की, तो काम तो करना ही पड़ेगा। और दो मिनट के लिए मानते हैं कि वो नहीं भी करेंगे, तो चलने के लिए बहुत कुछ है। और ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते, वो काम करते हैं, बस बहुत जल्द वो हमारे मैके से वापसी होने के बाद, मेरे मैके से वापसी होने के बाद वो बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों को देखने सुनने को मिल ही जाएगा जब मैं उनके साथ जाऊँगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और किसी को अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।